भाई साहब इसकी आंखें जल रही है भाई इस टापू में। ओह माय गॉड गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस टापू की दो आंखें हैं भाई, क्या चल रहा है यहीं पे, वो भूतिया बाबा रहते हैं। ओ भाई साहब माइकल सेकंड ट्रैवल, जल्दी आओ भाई मेरे साथ। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई सामने से धुआं निकल रहा है, क्या है भाई वहाँ पे, कहीं भूत वूत तो नहीं है कोई? अबे भाई वहाँ पे कौन बंदूक मार रहे हैं? भाई माइकल जल्दी निकल, मुझे लग रहा है भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उत्तरी उत्तरी भाई ये सामने और भाई साहब। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ पे आग लग चुकी है और भाई यहाँ पे आग वाले कुत्ते घूम रहे हैं भाई साहब। उत्तरी भाई यहाँ पे माइकल का है। ओ भाई गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल भी आ चुका है भाई, ट्रैवल मार। और यहाँ पे ये बम के कोने ये छोड़ रहे हैं, रुको रुको रुको, इसकी गाय को तो मैं निकालता हूँ, है कोना के लिए। माइकल ट्रैवल यहाँ से जल्दी निकलो। अरे भाई ये सूर भी कहाँ से आ रहा है भाई, क्या ही चल रहा है ये भाई? जो भी मानेगा मेरे को नहीं पता, मुझे कैसे करके भाई इस गाय को मारना पड़ेगा भाई साहब। ये क्या ही घूम रहा है, उत्तरी भाई क्या चल रहा है ये? और वो गाय कहाँ पे गई, कहाँ गया कहाँ गया? अबे माइक वो भाई ये रही रही रहा। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई ये कैसी चीज है भाई, हिरण के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है भाई। भाई भाई जल्दी मारो उसको, ये क्या रहा? गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं वहाँ पे खड़े हैं अपने भूतिया बाबा। भाई कैसे भी कहिए गाइस हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड इस टापू की भाई दो लाल आंखें हैं। सो गाइस 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 कैसे हैं आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है फिर से चूडियो 5 के एक और हॉरर एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि हमारे चूडियो 5 के लास्ट एपिसोड में अपने माइकल और फ्रैंकिन के घर में आ गए थे भूत, और इन दोनों को अपने घर से भागना पड़ा। और गाइस अपने माइकल की पूरी फैमिली को उन भूतों ने अपने कब्जे में ले रखा है। बट गाइस उसी वक्त अपने फ्रैंकिन ने अपने ट्रैवल दादा को कॉल करा, और अपने ट्रैवल दादा ने हमको बताया कि अपनी चूडियो 5 के अंदर एक भूतिया बाबा रहते हैं जो कि इन भूतों को भगाते हैं मारते हैं। गाइस हमें भी पता, बट गाइस उन बाबा की एक खास बात है, वो बाबा अपने लॉस सैंटोस के पहाड़ों में रहते हैं बट वो एक जगह नहीं रहते, उनकी लोकेशन बार-बार चेंज होती रहती है। सो गाइस आज अपने माइकल और फ्रैंकिन को उन बाबा को ढूंढना पड़ेगा। भाई तू गिनने पहले बंद कर। और गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल दादा पहाड़ों पे जाने के लिए क्या ही जीप लेके आए हैं भाई, ऑफ-रोडिंग वाली। तो माइकल भाई जल्दी अपनी जीप के अंदर बैठ और भाई उस बाबा को ढूंढने जाते हैं। पता नहीं वो बाबा कहां पे होगा भाई, अपने लॉस सैंटोस के अंदर तो बहुत सारे पहाड़ है। अबे हट जा भाई, तू खुलेआम घूम रहा है, हमारे घर में भूत आ चुके हैं। So guys, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई अभी रात होने वाली है, और पता नहीं भाई वो रात में हमें बाबा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वैसे जो भूतिया बाबा होते हैं वो तो एक्चुअली भाई रात में मिलते हैं क्योंकि उनका सुबह का कोई काम होता नहीं है। और गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो जीप अपने आज माइकल दादा लेके आए हैं उससे सो भाई ऐसी पार कर दिया, देर से भी पार कर दिया। अच्छा माइकल दादा भाई तुम ये जीप लेके आ गए, वरना कहीं हमें आज जंगलों में कुछ भूत वूत मिल गया ना तो भाई हम इससे भाग सकते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल दादा ने इसमें एक्शन लाइट फिट करवा दी थी क्योंकि आज अपने जंगलों में भाई बहुत ज्यादा अंधेरा होने वाला है। और गाइस आज अपने चूड़े 5 के अंदर भाई कुछ ज्यादा ठंड सी लग रही है यार, क्या ही बात है। तो भाई वो रहा अपना वाइन बोल, उसे कि हमें आगे जाना है। भाई यार मुझे कुछ ज्यादा डर लग रहा है यार, बाबा कहाँ पे होंगे वो? तो भाई उसे पहाड़ों पर जाने का शॉर्टकट रास्ता तो गाइस ये वाला है, क्योंकि अगर हम सीधा गए तो भाई हमें पूरा अपना लॉस सैंटोस पार करना पड़ेगा, उसके बाद गाइस हम पहाड़ों पे पहुंचने वाले। तो गाइस आज मैंने शॉर्टकट ले लिया। ओ बेटे की, अरे भाई कितने सुनसान रोड है भाई ये, बस यहाँ पे एक आधी गाड़ी है भाई साहब, मैं शायद से भाई उसी रास्ते जान चेता। बट गाइस नहीं, हमारे घर में भूत रखे तो भाई हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा। और गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाई इस वाली रोड पे कितने कम बंदे हैं। अबे माइकल तो पीछे क्यों बैठ रखा है भाई, अबे भाई माइकल से पीछे बैठ रखा है, मेरे साथ में बैठ मुझे हॉस्टल लेने के लिए, अबे बंदा पीछे बैठ गया। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं इस रूट पे भाई जा रहा था बस 2-3 बंदे होंगे, भाई कहाँ पे आ गए हम ये? सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल और फ्रैंकलिन को पूरे 1 घंटे हो चुके हैं इस जीप के अंदर। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाई अपने माइकल और फ्रैंकलिन पहाड़ों के पास आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे सबसे पास वाली फैक्ट्री भी बंद पड़ी है। कसम से भाई मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। भाई क्या ही सीन चल रहा है भाई यहाँ पे एकदम सुनसान, वो कैसी कैसी आवाजें आ रही है भाई ये चिल्लाने की। ओ माय गॉड भाई साहब यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मुझे भाई यहाँ पे एक भी इंसान नहीं मिल रहा। ओ माय गॉड गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई सामने से धुआं निकल रहा है, क्या है भाई वहाँ पे, कहीं भूत वूत तो नहीं है कोई? अबे भाई वहाँ पे कौन बंदूक मार रहे हैं? भाई माइकल जल्दी निकल, मुझे लग रहा है भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उत्तरी उत्तरी भाई ये सामने और भाई साहब माइकल जल्दी, भाई माइकल जल्दी मार इनको, इनके हेडशॉट दे, मुझे लग रहा है भाई ये भूत है, इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा। गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा इनके, तो भाई मैं अपने शॉटगन निकालता हूं इनको अभी।
भाई ये ले, भाई ये ले। ओ तेरे भाई, में से एक भी नहीं मर रहा। अरे इनमें से कोई भी नहीं मर रहा भाई, क्या चल रहा है? अब भाई अपने फ्रैंकन की गन रिलोड हो रही है और भाई अपना माइकल क्या मार रहा है। अबे भाई में से कोई भी नहीं मर रहा गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। अबे माइकल जल्दी भाग, माइकल जल्दी भाग भाई। वहां पे लाल बत्ती कैसे चल रही है वो? भाई 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 क्या चल रहा है यहाँ पे सीन? ओ तेरी भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भूत का साया लग रहा है। अबे माइकल जल्दी भाई इनको, अबे ले भाई भाई माइकल मार मार मार, अपने माइकल को मारेगा भाई। इनको तो मैं अपनी जीप के नीचे कुचल दूंगा भाई, इनको कुछ हो ही नहीं रहा। ओ तेरी भाई साहब, शायद से भाई पक्का भूत है। माइकल भाई जल्दी यहाँ से निकलो, माइकल जल्दी यहाँ से निकल भाई, यहाँ पे लाल पत्ती चल रही थी। ओ तेरी भाई, यहाँ पे दो एम्बुलेंस कहाँ से आ गई तमी भाई? यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। माइकल जल्दी निकलो फैंकिन, माइकल जल्दी यहाँ से निकलो भाई साहब, वहाँ पे धुआं निकल रहा है जल्दी। अरे बाबा भूत है बाबा, कहाँ पे हो तुम? जल्दी मिल जाओ। ओ माय गॉड भाई साहब, क्या है चल रहा है यहाँ पे सीन? जल्दी भगा फ्रैंकलिन अपनी जीप, जल्दी भगा भाई। किसका घर है? पूरा खाली हो चुका है। अरे भाई कैसे कैसे पीड़ा यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। और पीछे भाई क्या ही सीन बैठ गया यहाँ पे। अरे तेरे फ्रैंकलिन भाई क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे पेड़ भी कट रखे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ पक्का गड़बड़ लग रही है। आई थिंक भाई वहाँ पे लाइट हो, शायद से वहाँ पे बाबा हो सकते हैं। अबे जल्दी माइकल भाई, कहाँ पे ले आया अपनी जीप तू? अबे माइकल फ्रैंकलिन भाई क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई साहब, यहाँ पे एक बंगलो है बट गाइस मुझे यहाँ पे एक भी इंसान नहीं दिख रहा। ओ तेरी तो भाई, यहाँ पे सब कुछ खाली हो चुका है। जल्दी निकलो माइकल फ्रैंकलिन, यहाँ से जल्दी निकलो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल और फ्रैंकलिन भाई वहां से कैसे भी करके बच के आ चुके हैं भाई। कितना खतरनाक सीन था वो वाला। माइकल फ्रैंकलिन जल्दी भागो भाई, ये इंसान कहां से आ गए यहाँ पे? ओ भाई ये बंदूक कौन चला रहा है? ओ तेरी भाई, यहाँ पे ब्लास्ट क्या हुआ? और भाई वो कौन है, कुत्ते की शक्ल का भाई? ये कौन है भाई, ये क्या है? भाई ये तोप कहाँ चला रहा कोई? अरे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे भाई साहब यहाँ पे आग लग रखी है। ओ तेरी, अरे भाई आग लगे हुए कुत्ते। भाई फ्रैंकलिन जल्दी भाग, मैकल जल्दी भाग तू भी। ओ तेरी गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पे आग वाले कुत्ते जा रहे हैं भाई। मैं आग कहाँ लगा दी? माइकल जल्दी भाग गाइस, आई थिंक वहाँ पे माइकल अपने संभाल रहा है। ओ तेरी भाई ये भी कहाँ से आ गए गाइस? आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, ये आग वाले कुत्ते भागते हुए जा रहे हैं। भाई 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 जल्दी भागो भाई, फ्रैंकलिन जल्दी ऊपर चढ़, भाई फ्रैंकलिन जल्दी ऊपर चढ़ो। अभी भाई इन पे तोप कौन चला रहा है भाई? आई थिंक यहाँ पे माइकल है जो अपनी तोप चला रहा है। तो सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते कि यहाँ पे चारों तरफ पे आग लग चुकी है भाई, यहाँ पे आग वाले कुत्ते घूम रहे भाई साहब। उत्तरी भाई यहाँ पे माइकल का है। ओ भाई गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल भी आ चुका है भाई, ट्रैवल मार। आई थिंक गाइस यहाँ पे हमें ट्रैवल लेने के लिए आया, उस बाबे की लोकेशन शायद इसको मिल चुकी है। भाई जल्दी मारो गाइस, हमें जल्दी से इन सबको मारना पड़ेगा गाइस। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने ट्रैवल दादा भी यहाँ पे आ चुके हैं। चल निकल भाई ट्रैवल, मैं जल्दी अपनी जीप के अंदर बैठो भाई। सब कुछ जल्दी आ रहे हैं यहाँ पे तो ये, और यहाँ पे ये बम के कोने ये छोड़ दे बेटा। रुको रुको रुको, इसके गाय को तो मैं निकालता हूँ, है कोना के लिए। अटो 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 माइकल ट्रैवल, यहाँ से जल्दी निकलो। अरे भाई ये सूर भी कहाँ से आ रहा है भाई? क्या ही चल रहा है ये भाई? जो भी मानेगा मेरे को नहीं पता, मुझे कैसे भी करके भाई इस गाय को मारना पड़ेगा भाई साहब। ये क्या है घूम रहा है? उत्तरी भाई क्या चल रहा है ये? और वो गाय कहाँ पे गई? अबे माइकल और ट्रैवल भाई जल्दी अपनी जीप के अंदर बैठो। अबे ट्रैवल तेरे पीछे देख भाई, लाल कलर का मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। गाइस मुझे पता है इन भूतों को नहीं मार सकते भाई, दोनों अपनी जीप के अंदर जल्दी बैठो। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रैवल भाई सारे बैठ चुके हैं अपनी जीप के अंदर। गाइस अपने ट्रैवल दादा हमें बता रहे हैं कि उसको अपने भूतिए बाबा की लोकेशन फाइनली मिल चुकी है। सो गाइस अब हम जल्दी से चलते हैं अपने भूतिए बाबा के पास। भाई कहाँ पे गए वो बाबा? और गाइस अपना ट्रैवलर बता रहा कि भाई तुम यहाँ पे इतने नीचे क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था पहाड़ के ऊपर जाओ। सो गाइस अपने माइकल और फ्रैंकलिन ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, और गाइस फाइनली हमें एंड टाइम पे अपना ट्रैवल दादा मिल चुके हैं भाई। ट्रैवल दादा थैंक यू यार। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल फ्रैंकलिन और ट्रैवल तीनों आ चुके हैं उस बाबा की लोकेशन पर, बट गाइस वहां पे बाबा है ही नहीं भाई। क्या स्कैम हो गया? और एक सेकंड भाई, एक सेकंड, वो चीज क्या खड़ी है? ओ भाई 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 ये क्या है? ओ माय गॉड गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, ये क्या चीज है? कहाँ गया कहाँ गया? अबे माइक ऊपर भाई, ये रही रहा गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, ये कैसी चीज है भाई? हिरण के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है भाई। भाई भाई जल्दी मारो उसको, कोई तो मारो माइकल ट्रैवल, दोनों में से कोई तो मारो भाई। ले भाई ये ले। अबे भाई क्या चल रहा है अपनी चीजें फाइव के अंदर ये? ओ माय गॉड, ओ भाई 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 जल्दी 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 गाइस हमें इसको मारना पड़ेगा। ओ भाई गया, आई थिंक गया गाइस। फाइनली अपने माइकल और ट्रैवल ने भाई इसको समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसके अंदर आग थी वो जैसी बुझा और गाइस उसकी डेथ हो गई। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं,
उस बाबा ने भाई हमको धोखा दे दिया, मतलब कि भाई वो इतनी जल्दी अपनी लोकेशन कैसे चेंज कर सकता है भाई, उस बाबा ने अपने ड्राइवर को यहीं की लोकेशन दी थी। सो गाइस हमें जल्दी से अपनी जीप के अंदर फिर से बैठना पड़ेगा और इस बाबा के पास जाना पड़ेगा। भाई ड्राइवर तू क्या कर रहा है, उसने अपनी इतनी जल्दी लोकेशन चेंज भी कर ली, भाई मुझे लग रहा है ड्राइवर मेरा पागल काट रहा है। तो गाइस हमें जल्दी से उस बाबा को ढूंढना पड़ेगा फिर से, वरना गाइस वो भूत हमें मार डालेंगे भाई अपनी GTA 5 के अंदर। गाइस मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा और भाई यहाँ पे हर जगह भूत ही भूत फैल चुके हैं, भाई जल्दी वो बाबा मिल जाए हमें। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनली अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर को उस भूतीय बाबा की लोकेशन मिल चुकी है। भाई साहब इसकी आंखें जल रही है भाई इस टापू में, ओ माय गॉड। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस टापू की दो आंखें हैं, भाई क्या चल रहा है, यहीं पे वो भूतिया बाबा रहते हैं। ओ भाई साहब माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर जल्दी आओ भाई मेरे साथ। गाइस जैसे कि आप सभी लोग, ओए भाई ये क्या रहा। गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं वहां पे खड़े हैं अपने भूतिया बाबा, भाई कैसे भी करिए गाइस हमें वहां पे जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड इस टापू की भाई दो लाल आंखें हैं। माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर भाई जल्दी चलो मेरे साथ उस बाबा के पास, भाई जल्दी उस बाबा की हमें हेल्प करनी पड़ेगी, भाई जल्दी माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर जल्दी भाग के आओ। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारी इस भूतिया बाबा से बात हो चुकी है और अपने फ्रैंकलिन माइकल ने इसको अपनी सारी बातें बता दी कि इनके घर में भूत आ चुके हैं। सो गाइस इस बाबा ने अपने ट्रेवर को सारी बातें बता दी कि हमें क्या क्या लेके आना उस भूत को भगाने के लिए। सो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया तो वीडियो को जो लाइक और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और गाइस अगर आपको इस भूतिया सीरीज का पार्ट 4 भी चाहिए तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।